हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि हमारे घर का जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसकी वायरिंग कैसे करें। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो को पूरी देखें, आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने घर के जो एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं उनका वायरिंग कैसे करें। तो दोस्तों, अपने पास ये एक इनकम्प्लीट एक्सटेंशन बोर्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमें इस बोर्ड पे ये सॉकेट और स्विच का कनेक्शन करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें हमारे बोर्ड को कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि आपके जो एक्सटेंशन बोर्ड का ये ऊपरी हिस्सा है, इसको क्या करना है कि आपको इसमें आपके सॉकेट और स्विच को माउंट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले सॉकेट को आप माउंट करेंगे। ये आपका पहला सॉकेट माउंट हो गया और दूसरे सॉकेट को भी माउंट करेंगे। ये दोनों सॉकेट माउंट हो गए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि बारी बारी से जो आपके दो स्विच हैं, ये जो दो स्विच आप देख रहे हैं, इन दोनों स्विच को भी माउंट कर लेंगे हम। ये आपका पहला स्विच माउंट हो गया है और इसी प्रकार से हम दूसरे स्विच को भी माउंट कर लेंगे। ये आपके दोनों स्विच माउंट हो चुके हैं और दोनों सॉकेट भी माउंट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हम इसका कनेक्शन करेंगे। आपको क्या करना है कि इन दोनों सॉकेट जो हैं, इन दोनों सॉकेट को एक एक स्विच से कनेक्शन करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको चाहिए लूप वायर। आप ऐसे छोटे छोटे वायर के लूप बना लें और लूप बनाने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप ये जो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, आपको ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर दें। ये एक साइड का हो गया कनेक्शन। दोस्तों, आपको ये शॉर्ट करने के बाद क्या करना है कि आपको एक स्विच से ये सॉकेट चार्ज होना चाहिए और दूसरे स्विच से ये वाला सॉकेट चार्ज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास जो स्विच रहेंगे, कुछ स्विच में लिखा रहता है L और N करके लिखा रहेगा। L मतलब लाइन, लाइन मतलब फेस और N मतलब न्यूट्रल। अगर आपके पास नहीं है ऐसा स्विच, स्विच में अगर लिखा नहीं है, तो दोस्तों आप अपने बोर्ड को ऐसे पलट लें। पलटने के बाद हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो दाहिना साइड है, राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड का जो पॉइंट है, इसमें हमेशा फेस का कनेक्शन होता है। फेस पॉइंट जो है हमारा, ये वाला फेस पॉइंट होता है। और जैसा कि आप ये वाला स्विच देख रहे हैं, इसमें भी दाहिने साइड में आप फेस का कनेक्शन कर लें। तो कैसे करेंगे? आपका दाहिना साइड ये वाला आ रहा है। तो अभी क्या करना है, आपको दूसरा लूप उठाना है और दूसरा लूप लेने के बाद आपको कनेक्शन कर लेना है। आपको इस स्विच से इस सॉकेट को पावर सप्लाई देना है। अब ये जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और इसका जो ये दूसरा सिरा है, इसको हमें कनेक्ट करना है अपने इस स्विच पर, इस पॉइंट पर। तो सॉकेट के फेज वाले टर्मिनल पे जो है हमको ये कनेक्ट कर देना है। ये आपका जो है पहला सॉकेट का कनेक्शन हो गया है, फेज सप्लाई आपने दे दिया है। उसके बाद सेम यही प्रक्रिया आपको दोबारा करनी है। जो आपका ये दूसरा स्विच है, दूसरा स्विच दिख रहा है, दूसरे स्विच से इस सॉकेट को पावर देंगे। दोस्तों, क्या करना है, आप दूसरा लूप उठाएंगे और दूसरे लूप को इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्ट करना है। कैसे करना है? स्विच का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपर वाला टर्मिनल है, उसमें एक पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। और ये जो दूसरा सिरा आप देख रहे हैं, ये आपको सॉकेट पे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, ये हमने फेस सप्लाई का कनेक्शन कर लिया है। फेस सप्लाई का हमारा कनेक्शन जो है वो हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है
कि आपको इन दोनों सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई भी देनी है। तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए आप क्या कीजिए, आपके पास दोनों सॉकेट में एक एक पॉइंट जो खाली दिख रहा है दूसरा, इन दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देंगे हम। कैसे शॉर्ट करेंगे, एक दूसरा लूप वायर उठाएं और उसका एक जो सिरा है उसको इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये जो दूसरा पॉइंट है आपको सॉकेट के इस पॉइंट पे कनेक्ट करना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ये तीसरा जो पिन दिख रहा है, तीसरा जो पॉइंट दिख रहा है ये सॉकेट में, ये तीसरा और मोटा वाला जो पॉइंट है ये है अर्थिंग का पॉइंट। तो दोस्तों इसको अर्थिंग देने के लिए क्या करना है, आपको इन दोनों को भी आप शॉर्ट कर लीजिए और दूसरा जो पॉइंट है दूसरे सॉकेट के अर्थिंग पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको इसमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो फेज न्यूट्रल सप्लाई कैसे देंगे, आपके पास एक वायर होगा जिससे आप फेज और न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे इस केबल में तीन वायर दिख रहे हैं। तीन वायर में पहला वायर जो है आपका फेज का है, दूसरा ये जो ब्लैक वायर देख रहे हैं इसको न्यूट्रल का वायर है, और तीसरा ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन और येलो वायर, ये अर्थिंग का वायर है। तो दोस्तों चलें अपन कनेक्शन कर लें। आपने जो सबसे पहले में ये जो लूप वायर लगा के रखा है, ये दोनों को आपस में दोनों स्विच को शॉर्ट किया है, इसमें एक पॉइंट में आपको फेज वाला वायर कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये आपने इस पॉइंट पर दोनों को शॉर्ट करके कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आपके बचे हुए ये जो दो पॉइंट हैं, आप ये जो दो पॉइंट देख रहे हैं, एक न्यूट्रल का है और एक अर्थिंग का पॉइंट है। तो न्यूट्रल जो होता है पूरे बोर्ड के लिए कॉमन है, तो न्यूट्रल को आपने इस सॉकेट पे कनेक्ट कर देना है। जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है एन लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको कनेक्ट कर देना है। ये आपका न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। बचा तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा वायर है, इसको आप अर्थिंग में कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग में कैसे कनेक्ट करेंगे, ये जो वायर आपने शॉर्ट किया है, ये अर्थ के दोनों वायर आपको दिख रहे होंगे, आपने इस सॉकेट के अर्थिंग वाले पॉइंट से इस सॉकेट के अर्थिंग वाले पॉइंट को शॉर्ट किया है, तो इसमें किसी में भी आप एक में अर्थिंग वाले वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये आपका जो एक्सटेंशन बोर्ड है घर का, इसका कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। दोस्तों अभी आपको क्या करना है, आपके ये जो वायर है, इस वायर का ये जो दूसरा पॉइंट दिख रहा है इस केबल का, इस पे आपको प्लग का कनेक्शन करना है। तो प्लग का कनेक्शन कैसे करेंगे, ये प्लग सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद क्या करना है, इसमें ये जो है आपको फेज न्यूट्रल और अर्थ का कनेक्शन करना है। तीन पॉइंट हैं और तीन टर्मिनल है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फेज सप्लाई जो है इसके राइट साइड में, ये जो आपको राइट साइड में पिन दिख रही है इसमें फेज सप्लाई देना है, फेज वायर को कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो आपको दूसरा पॉइंट दिख रहा है, ये नीचे वाला दूसरा पॉइंट लेफ्ट साइड में, इसमें आपको न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करना है। और ये जो तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो केबल है, ये तीसरा पॉइंट मोटी पिन आपको ये दिख रही है, इस पे हमें अर्थिंग का वायर कनेक्ट करना है। तो दोस्तों आपके ये प्लग का भी कनेक्शन हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। दोस्तों ये आपका कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है एक्सटेंशन बोर्ड का। अभी क्या करना है आपको, आपका ये जो इसका आधा हिस्सा रह गया था इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आपका ये एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों देखा आपने कितना ही आसान तरीका से हम अपने घर के एक्सटेंशन बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।